हेलो स्टूडेंट, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार। अब जो है हम उसकी यूनिट सेकंड पर बात करने वाले हैं। यूनिट सेकंड के अंतर्गत जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या होता है और अवबोध परसेप्शन क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे कि पर्सनालिटी क्या होता है। तो संगठनात्मक व्यवहार में मानव व्यवहार का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि एक संस्था जो है, एक संगठन एक उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है, और यदि संगठन के प्रबंधक मैनेजर कर्मचारियों की के व्यक्तित्व को जान लें, समझ लें कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, और उस हिसाब से ही यदि कर्मचारियों को काम दे, तो निश्चित ही संस्था जो है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, वृद्धि होगी उसके कार्य में। तो व्यक्तित्व को जानना बहुत जरूरी है। अब व्यक्तित्व क्या होता है? तो व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की विशेषता को बताने वाले गुण। हम कहते हैं किसी को भी देखकर कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो व्यक्तित्व होता है जो कि एक गतिशील मनोवैज्ञानिक है, गतिशील भाव है, जो कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों से संबंधित है, और जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करता है, और जो व्यक्तित्व है उसके कारण ही दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रभावित होता है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषता को बताने वाला गुण, जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ता है और अपना रोल अदा करता है। तो ये होता है पर्सनालिटी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के गुणों की विशेषताएं, या गुणों का हम बोल दें टोटल ओवरऑल ग्रुप, जिसके कारण उसका व्यक्तित्व जो है वह दूसरे व्यक्ति के सामने रिप्रेजेंट होता है। अब व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, इट मीन्स किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की पहचान हम कैसे कर सकते हैं या कैसे होती है, या किस तरीके से हम निर्धारित करते हैं कि वह उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। तो सबसे पहला है शारीरिक संरचना। बहुत से व्यक्तियों की शारीरिक संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि वह किसी एक स्पेशल वर्ग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें कि किसी व्यक्ति की कद काठी बहुत अच्छी है, तो जनरली देखकर क्या लगता है कि उसे पुलिस में जाना चाहिए, या कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छा बोलता है तो हम उसे कहेंगे कि उसे नेता या लीडर बनना चाहिए, उसमें नेतृत्व के गुण है। तो शारीरिक संरचना के आधार पर भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह निर्धारित होता है। फिर है वंश परंपरा। जो वंश परंपरा है कि राजा का पुत्र राजा ही बनेगा, और राजा के गुण जो है, यह एक साइंस भी है कि माता पिता के गुण जो है वह बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। तो उसी के आधार पर वंश में यदि कोई व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व जो है नेता का रहा हो, या पुलिस ऑफिसर ही बने हो, मिलिट्री में ही गए हो उस फैमिली के बच्चे, तो निश्चित ही उसके कारण भी उस फैमिली के बच्चे का व्यक्तित्व क्या होगा, मिलिट्री टाइप का होगा। तो वंश परंपरा के आधार पर भी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा हो सकता है। फिर बाल्यकाल के अनुभव, चाइल्डहुड के जो अनुभव है, बचपन के अनुभव के कारण भी यदि किसी व्यक्ति का बचपन जो है वह बहुत डर के कारण बीता है, तो निश्चित ही जब वह बड़ा होकर बिजनेस करने जाएगा या नौकरी करने जाएगा, तो उसके बचपन के अनुभव का इफेक्ट जो है उसकी पर्सनालिटी में दिखेगा, वह हर काम को करने में डरेगा। तो बचपन के अनुभव भी किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालते हैं। फिर पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट किस प्रकार का रहा है और वर्तमान में है, उसका इफेक्ट भी व्यक्ति की पर्सनालिटी पर रहता है। यदि किसी फैमिली में रोज जो है सुबह शाम भगवान की पूजा होती है, शांति से जो है हर कार्य को किया जाता है, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता है, तो वहां जो बच्चा पल रहा है वह बच्चा बड़ा होकर बहुत पीसफुली वर्क करेगा। क्यों करेगा?
क्योंकि परिवार का वातावरण जो है वह बहुत शांतिपूर्ण रहा है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, पीसफुल रहेगी, हर कार्य को वह शांति से करेगा। फिर बाह्य वातावरण एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नेचुरली बहुत डिपेंड करता है कि आसपास का वातावरण जो है वह किस प्रकार का है। यदि आसपास का वातावरण जो है निगेटिव है, चोरियां हो रही हैं, मारकाट हो रही है और इस तरह का वातावरण है, तो किसी भी व्यक्ति की, जैसे कोरोना के टाइम पे हम देखें, तो कोरोना का टाइम मतलब बाहर का वातावरण क्या था, डरा हुआ था, तो हर व्यक्ति की का व्यक्तित्व कैसा हो गया था, डरा हुआ हो गया था, पर्सनालिटी जो है वह चेंज हो रही थी। हमने इसके मीनिंग में देखा कि यह एक गतिशील और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, व्यक्तित्व जो है वह चेंज होता है। यदि कोरोना के समय सभी की पर्सनालिटी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी, कभी कभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर व्यक्तित्व जो है वह परिवर्तित हो जाता है, तो बाह्य वातावरण बहुत इफेक्ट करता है। फिर सांस्कृतिक वातावरण कल्चर, जैसे इंडिया का कल्चर हम बोले तो बहुत ही सांस्कृतिक है, यहाँ पर रीति रिवाज परंपराएं, बड़ों का सम्मान करना, तो यदि बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, बचपन से ही वह इस तरह का एनवायरनमेंट देख रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी क्या रहेगी, अपने बड़ों का सम्मान करना और पीसफुली जो है प्रार्थना करना, जॉब जो है वह करना। और यदि जो है वही बच्चा अमेरिका में जन्म लेगा तो अमेरिका का वातावरण जैसा रहेगा कि बचपन से ही जो है बच्चों को सेपरेट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है, माता पिता जॉब में रहते हैं, तो ये अलग अलग जो सांस्कृतिक वातावरण होते हैं, संस्कृति जो होती है, उसके कारण भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। फिर परिवारजनों का व्यवहार, फैमिली मेंबर्स का उस पर्सन के प्रति क्या बिहेवियरशिप है, यदि कोई पर्सन है और उसको फैमिली के लोग पसंद नहीं करते हैं, हर कोई उसके ऊपर गुस्सा करता है, तो बाहर भी जब वह व्यक्ति जाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, चिड़चिड़ेपन की रहेगी, तनाव की रहेगी, उसके इंटरनल मन में संतुष्टि कभी नहीं आएगी। तो परिवार का व्यवहार भी जो है बहुत इफेक्ट करता है। फिर परिस्थितिगत प्रभाव, परिस्थितियां जो है सिचुएशंस जो अचानक आती हैं, उसके कारण भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह परिवर्तित हो जाता है। जैसे बहुत से लोग नॉर्मल कंडीशन में बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन अचानक से कोई समस्या आ जाती है, उस समय में वो हड़बड़ा जाते हैं। तो व्यक्तित्व जो है वह पूरी गतिशील प्रक्रिया है, और भी बहुत से निर्धारक तत्व हैं समय और परिस्थिति को देखते हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह परिवर्तित होता रहता है। तो ये जो है आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले तत्व। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व की विचारधाराएं, थ्योरीज। अलग अलग लोगों ने जो है इसकी थ्योरीज बनाई है, विचारधाराएं दी है, व्यक्तित्व को अलग अलग लोगों ने जो है डिफाइन किया है अपने हिसाब से। तो मनोविश्लेषक विचारधारा यह जो है कार्ल के द्वारा जो है डिफाइन की गई है, साइकोलॉजिकल थ्योरी। इनका यह कहना था कि व्यक्ति जो है उसमें तीन प्रकार के भाव रहते हैं और वह उसी को संतुष्ट करता है और उसी के हिसाब से उसके व्यक्तित्व जो है वह बन जाता है। जैसे अहम, अहम मतलब खुद को इम्पोर्टेंट मानना, अहम की भावना, तो मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, तो अहम की भावना को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति काम करता है और उसकी पर्सनालिटी भी उसी हिसाब से बन जाती है। फिर है पराहम, पराहम मतलब दूसरों के लिए, ये आत्मा से जुड़ा हुआ है, दूसरों के लिए सोचना। तो इस प्रकार के व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह किस तरीके का रहेगा, सहयोग की भावना डेवलप होगी इसके अंतर्गत, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, परिवार के लोगों के लिए अच्छा करना है, तो इसके अंतर्गत जो है वह व्यक्ति खुद को इम्पोर्टेंस न देकर दूसरों को इम्पोर्टेंस देता है। और फिर है शारीरिक, शरीर की बहुत सी अपनी आवश्यकताएं रहती है, जैसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सोना है, नींद आ रही है, गुस्सा है, खुशी है, तो शरीर की आवश्यकताओं के कारण भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह परिवर्तित होता है। बहुत से हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसके कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह परिवर्तित होता है।
तो इस तरीके से उन्होंने व्यक्तित्व को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी जो अपने लिए सोचते हैं, दूसरा ऐसे व्यक्तित्व वाले जो दूसरों के लिए सोचते हैं, और तीसरा जो जन्मजात रहता है, जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो जन्मजात रहती हैं, उसके कारण व्यक्तित्व का प्रभाव। फिर है व्यक्तित्व प्रसार विचारधाराएं हैं, ये जो है शेल्डन के द्वारा बताई गई थी। तो इनका ये कहना था कि पर्सनालिटी जो है वह व्यक्ति की विशेषता को रिप्रेजेंट करती है और व्यक्ति की विशेषताएं समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, और व्यक्तित्व में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यदि जो है कोई व्यक्ति है अभी डरा हुआ रहता है, यदि जो है वह ऐसे माहौल में चला जाए जहां पर उसको बार बार टॉर्चर किया जाए और उसके अगेंस्ट में वो खड़ा हो जाए, तो अब उसकी पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी, विरोधात्मक हो जाएगी, और वह जो है कॉन्फिडेंट बन जाएगा और उसका पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई है। तो व्यक्तित्व प्रसार विचारधारा में उन्होंने कहा शेल्डन ने कि व्यक्तित्व की जो गुण है वह परिवर्तित होते रहते हैं, और जैसा जैसा व्यक्ति को अनुभव मिलता जाता है, जीवन के अनुभव जैसे जैसे मिलते जाते हैं, वह व्यक्ति उतना परिपक्व होता जाता है और उसका व्यक्तित्व जो है वह निखरता जाता है। अब निखरना जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन समय और समाज में बदलते नियमों के कारण जो है व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। फिर है व्यक्तित्व गुण विचारधारा क्वालिटी बेसिस पे, इसमें दो व्यक्तियों ने अपने 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 अलग अलग विचार दिए हैं। पहला है ऑलपोर्ट की विचारधारा। ऑलपोर्ट ने जो है व्यक्तित्व की के 35 गुणों के बारे में बताया है कि व्यक्ति में जो है 35 क्वालिटीज, जैसे बुद्धिमान, मूर्ख, आलसी और एक्टिव मतलब कार्य करने वाला, इस प्रकार से उन्होंने पेयर बनाई हुई है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे कोई मूर्ख हो सकता है या बुद्धिमान हो सकता है, कोई आलसी कामचोर हो सकता है और एक कार्यशील हो सकता है। इस तरीके से उन्होंने गुणों के जो है कॉम्बिनेशन बनाए हैं, और उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो है इन गुणों के आधार पर अपने व्यक्तित्व को डिफाइन करता है और परिभाषित करता है। उनके अनुसार, ऑलपोर्ट की विचारधारा के अनुसार जो है, व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक तत्व है और व्यवहारात्मक तत्व है, मतलब यह जो है व्यक्ति की मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, और व्यवहारिक, व्यवहारिक का मतलब है कि उसके जो व्यवहार वो करता है, लोग दूसरे लोगों के प्रति जो व्यवहार करता है उससे जुड़ा हुआ है। और ऑलपोर्ट का कहना था कि यह गतिशील विचारधारा है, आप किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह स्थायी नहीं मान सकते हैं, उसका व्यक्तित्व जो है समय के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। फिर है कॉटेल। कॉटेल ने अपनी विचारधारा में बताया है कि व्यक्तित्व जो है वह गुणों पर आधारित होता है, जो कि जन्मजात भी हो सकता है। यदि हम कद और कांटे की बात करें कि दिखने में ऐसा है तो वह जन्मजात होता है, यदि किसी व्यक्ति का कोई अंग नहीं है तो वह जन्मजात है। तो और दूसरा उनका कहना था कि गुण जो है वह अर्जित भी किए जा सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति का जो है अभी नॉर्मल जो है हेल्थ और हाइट है, उसने एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बना ली, तो उसको देखकर क्या लगेगा कि वह नेता बन सकता है या पुलिस में जा सकता है। तो कॉटेल ने अपनी विचारधारा में बताया कि व्यक्तित्व को बनाने के लिए दो प्रकार की जो है गुण होते हैं, एक होते हैं जन्मजात, जिनमें हम बहुत ज्यादा निखार नहीं सकते हैं, लेकिन एक होते हैं व्यक्तित्व को निखारने के लिए अर्जित गुण। इन गुणों को जो है हम निखार सकते हैं, उन पर काम करके अपनी पर्सनालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। फिर है व्यक्तित्व की स्व विचारधाराएं। स्व मतलब स्वयं को सोचने वाली। तो इसमें जो है दो प्रकार की विचारधाराओं के बारे में बताया गया है। कॉर्ल रोज ने यह विचारधारा दी है कि व्यक्तिगत स्व हो सकता है, मतलब स्वयं को संतुष्टि किस कार्य को करने में मिलती है। तो एक है व्यक्तिगत स्व, मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज,
मैं कैसे खुश रह सकता हूँ उस पर ध्यान देना, ये होता है व्यक्तिगत स्व। एक होता है सामाजिक स्व कि मुझे खुशी दूसरों की मदद में मिलती है। तो इस तरह के लोग समाज के लिए डिवोटेड रहते हैं, परिवार के लिए डिवोटेड रहते हैं और अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के प्रति जो है वह काम करते हैं। तो कॉर्न रोज ने जो है व्यक्तित्व की स्व विचारधाराएं बताई थी और ये है व्यक्तित्व की सामाजिक विचारधारा जिसका उद्देश्य क्या है। समाज इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं वह समाज के प्रति अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए सोचते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है और उसकी विचारधाराएं कौन कौन सी होती है। तो आपको इंडिविजुअली किसी विचारधारा के बारे में शॉर्ट आंसर में आ सकता है तो आप उस तरीके से आंसर को जो है तैयार कीजिए। स्टूडेंट अभी हमने देखा कि व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है, अब हम देखेंगे कि अवबोध परसेप्शन, यदि हम इसको दूसरे अर्थ में कहें दृष्टिकोण, ये क्या होता है। तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है और वहां पर पांच व्यक्ति खड़े हैं, वह दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं और यहाँ पर पांच व्यक्ति जो है वो खड़े हैं, तो आप ये बताइए कि ये पांच व्यक्ति उस घटना को देखकर एक जैसा रिएक्शन देंगे, एक जैसी सोच रखेंगे कि हाँ वो दोनों व्यक्ति झगड़ रहे हैं, यदि उस पर्टिकुलर समय पर आप उन पांचों व्यक्तियों से बात करेंगे तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से उस घटना के प्रति अलग अलग विचार प्रस्तुत करेगा और जब वो विचार प्रस्तुत करेगा तो उसमें वो जो घटना हो रही है उसमें उसका व्यक्तिगत विचारधारा भी सम्मिलित होगी। ठीक है, जैसे पहले व्यक्ति ने बोला कि वो दोनों व्यक्ति झगड़ रहे हैं और उनका कुछ पैसे का लेन देन है, इसमें ये जो है इससे पैसे मांग रहा है और ये पैसे नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ बोल सकता है। दूसरा व्यक्ति बोल सकता है कि हाँ दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं लेकिन पता नहीं किसने किससे पैसे लिए हैं। तीसरा व्यक्ति कुछ अलग विचारधारा रख सकता है। तो स्टूडेंट यही अवबोध होता है। अवबोध का अर्थ होता है कि यह सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है और यह जो है बाह्य वातावरण एक्सटर्नल वातावरण जो रहता है उसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका संवेदन मतलब उसको महसूस करना और उस पर अपनी व्यक्तिगत व्याख्या करना और निर्णय देना वह अवबोध होता है, परसेप्शन। समझे इस उदाहरण से आप कि क्या लिखेंगे आप इसकी, परसेप्शन मतलब सॉरी अवबोध एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति बाह्य वातावरण में होने वाली घटना का संवेदन करता है मतलब महसूस करता है, संचय करता है और विश्लेषण कर अपनी व्यक्तिगत व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह होता है अवबोध परसेप्शन और हर व्यक्ति का परसेप्शन उसकी व्यक्तिगत विचारधारा होती है, व्यक्तिगत सोच होती है। आया समझ में, एक बार फिर से समझा दूं, समझ में आता है लेकिन लिखना कैसे है कभी कभी हम वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अवबोध एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बाह्य वातावरण में होने वाली या हम बोल सकते हैं अपने आसपास में होने वाली घटनाओं के प्रति संवेदना और संचय करना और विश्लेषण करके अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के हिसाब से उसकी व्याख्या करना वह व्यक्ति का अवबोध होता है, व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। क्लियर, अब हम इसकी विशेषताएं निकालें। तो विशेषताओं को ध्यान में रख के भी आप उसकी परिभाषा बना सकते हैं। पहली क्या है हमारी, बौद्धिक प्रक्रिया। परसेप्शन क्या होता है, बौद्धिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति अपनी सोच अपने गुण अपनी विचारधारा के हिसाब से घटना की विश्लेषण करता है और अपना निर्णय सुनाता है। तो अवबोध जो है वह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। संज्ञानात्मक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया,
मतलब इसके अंतर्गत व्यक्ति उस घटना को महसूस करता है, फील करता है और उसमें अपने तर्क, मनोवैज्ञानिक मतलब संज्ञानात्मक मतलब लॉजिकल जो है उस घटना को महसूस करता है और उस घटना पर अपने तर्क, बुद्धि, अपने गुण, अपनी सोच को जो है वह लगाता है। तो यह जो है एक संज्ञानात्मक और बौद्ध मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। व्यक्तिनिष्ठा प्रक्रिया में बाह्य वातावरण में होने वाली, अपने आसपास के वातावरण में होने वाली घटनाओं को वो महसूस करता है, संवेदना और उसका विश्लेषण करता है और उस पर अपने व्यक्तिगत विचारधारा को रखता है, अपने सोच को, व्यक्तिगत सोच को, समाज क्या सोचेगा वह नहीं देखता है। व्यक्तिनिष्ठा प्रक्रिया है मतलब अपनी व्यक्तिगत सोच को वह प्रदर्शित करता है। स्थिति का विवेचन अभिलेखन नहीं, अवबोध में घटना को जैसी हुई है वैसा का वैसा नहीं लिखा जाता है, न ही बोला जाता है। इसके अंतर्गत घटना को अपने विचारों में प्रस्तुत किया जाता है, अपने शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। तो स्थिति का विवेचन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। अभिलेखन नहीं मतलब, अभिलेखन मीन्स होता है रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं, जैसा बोला है वैसा का वैसा रिकॉर्ड करना। जबकि अवबोध क्या है, विवेचना करना। दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से बताएंगे, घर जाकर बता रहे हैं कि आज रास्ते में दो लोग झगड़ा कर रहे थे, एक ऐसा बोल रहा था और दूसरे व्यक्ति ने ऐसा बोला, तो ये क्या हो गया, स्थिति का विवेचन। तो अवबोध क्या होता है, परिस्थिति का अपने हिसाब से वर्णन करना। और संवेदना से अधिक जटिल, संवेदना में क्या होता है, महसूस करना कि झगड़ा कर रहे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि वो गलत काम कर रहे हैं, ये संवेदना होती है। उससे भी अधिक जटिल कार्य है अवबोध में, संवेदना तो है ही शामिल कि हम उस घटना को महसूस कर रहे हैं और उस घटना को देखते ही हमारे दिमाग में जो है तर्क चलना शुरू हो जाते हैं, हमारे जो गुण है, हमारी व्यक्तिगत सोच है वो चलना शुरू हो जाती है। तो अवबोध जो है वह क्या है, संवेदना से अधिक जटिल है। संवेदना में हम केवल जो है घटना को महसूस कर लेते हैं और अपने मन में रखकर खत्म कर देते हैं, लेकिन अवबोध में, परसेप्शन में हम उस घटना का पूरा विवेचना करते हैं, सही गलत हमारी व्यक्तिगत सोच के आधार पर हम उसका निर्णय भी ले लेते हैं कि हाँ यार उस व्यक्ति ने गलत किया, उसको मारना नहीं चाहिए था। तो ये हमने क्या किया, अवबोध। तो अवबोध में जो है बौद्धिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, व्यक्तिनिष्ठ है, स्थिति का विवेचन किया जाता है, अभिलेखन नहीं और संवेदना से अधिक जटिल है। अब बात करें इसकी प्रक्रिया की, अवबोध की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और कैसे खत्म होती है। तो कहां से शुरू होगी, कोई घटना आप देखेंगे, कहां आपका दृष्टिकोण बनेगा, कहां आपका परसेप्शन बनेगा, तो वो जो है परसेप्शन आपका बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई घटना हो रही है तो उसके प्रति आपका रिएक्शन आएगा। कोई भी जो है घटना हो रही है उसके प्रति आपका रिएक्शन आएगा। तो पहली प्रोसेस होती है इसमें अवबोध में, बाह्य वातावरण में होने वाली घटनाएं। उसके बाद प्रेरणाएं। कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और हम जो है सीधे जा रहे हैं, हमारा उस घटना पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। प्रेरणा मीन्स होता है कि उस बाह्य वातावरण में होने वाली घटना के प्रति आपका ध्यान आकर्षित होना। कोई ऐसा फैक्टर जो है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं अपनी गाड़ी से और दो लोग बहुत जोर जोर से झगड़ रहे हैं, तो आपका ध्यान वहां पर जाएगा क्योंकि आपको शोर सुनाई दिया, आप वहां पर दो मिनट रुककर उस झगड़े को देखेंगे। यदि झगड़ा हो रहा है और नॉर्मल आवाज में जा रहा है तो आप भी उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो प्रेरणा मीन्स होता है कि जो भी घटना हो रही है आसपास में उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला गुण, वो तब तक आपको दिमाग को जो है ठकठकाएगा नहीं, दिमाग पर जोर नहीं डालेगा, तब तक आप उस घटना के प्रति अपना दृष्टिकोण पैदा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अवबोध क्रिया विधि, परसेप्शन जनरेट हो रहा है तो उसमें क्या होगा, चयन। एक्सटर्नल वातावरण में बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, कौन सी घटना के प्रति हमें दृष्टिकोण बनाना है तो वो चयन आप सबसे पहले करेंगे। फिर संयोजन, आपने वो घटना देखी उसमें आपने उसके प्रति आपका दृष्टिकोण बन रहा है
तो संयोजन मतलब आपकी जो तर्क शक्ति है, जो आपके गुण है, जो आपकी व्यक्तिगत सोच है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसमें जो है आपका कॉम्बिनेशन। फिर व्याख्या करना, केवल महसूस करना ही नहीं, उसकी व्यक्तिगत सोच के हिसाब से उसकी व्याख्या करना कि हाँ यार उस व्यक्ति ने सही किया, बॉस ने आज उसको डांटा तो सही किया बॉस ने, वो व्यक्ति तो रोज ही लेट आता था, तो ये क्या किया आपने, व्याख्या करी। फिर है प्रतिपुष्टि करना, जो आपने सोचा कि उस बॉस ने सही किया तो उसका जो है बिहेवियरशिप में, व्यवहार में प्रतिपुष्टि करना, अपना दृष्टिकोण जो है, परसेप्शन जो है वो जाहिर करना। तो ये है आपकी परसेप्शन की। एक घटना आपके ऑफिस में हुई कि बॉस ने एक व्यक्ति को डांटा, वह रोज लेट आ रहा है, तो ये चयन किया आपने, उस घटना में अपना तर्क लगाया, लॉजिक लगाया, महसूस किया और उसके बाद व्याख्या की कि हाँ उस बॉस ने सही किया आज, और उसके बाद आपने उसका रिएक्शन दे दिया। फिर निर्णय एवं व्यवहार, आपने अपना तर्क जो है लगाकर, ये अपना मेन पॉइंट चल रहा है, तो अवबोध क्रिया विधि हो गई आपकी। फिर निर्णय एवं व्यवहार, आपने सोच लिया कि हाँ बॉस ने आज सही किया और आप जो है बॉस के पास चले गए और बॉस को इस चीज के लिए कह रहे हैं, आपने उसके हिसाब से अपना व्यवहार तय कर लिया। जैसे एक व्यक्ति जो है आपके साथ रोज गलत व्यवहार कर रहा था, ये जो है आप नोटिस कर रहे थे, आपने पूरा लॉजिकल व्यक्तिगत सोच लगा ली, तो अब आपको लग रहा है कि हाँ उस व्यक्ति ने बहुत गलत का बिहेवियरशिप कर रहा है, अब मुझे उससे बात नहीं करनी, तो आपने निर्णय ले लिया कि मुझे उससे बात नहीं करनी है और उसके हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। अब वो सामने आ रहा है व्यक्ति, तो आप रास्ता बदल रहे हैं, तो ये होता है निर्णय ले लिया और व्यवहार। परिणाम, जब आप बिहेवियर अपना अपने दृष्टिकोण के हिसाब से आप व्यवहार करेंगे तो उसका परिणाम सामने वाले की तरफ से आएगा। उस दृष्टिकोण, उस परसेप्शन का जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों परिणाम हो सकते हैं। तो जो भी परसेप्शन आपने रखा है, हो सकता है कि वह सही निकले, और जो परसेप्शन आपने रखा है वह गलत भी निकल सकता है। तो परिणाम जो है आपके दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फिर स्थिति व अवबोधक के लक्षण, तो जो पूरी परसेप्शन की प्रक्रिया है उसका ओवरऑल डिसीजन, जैसे आपने डिसीजन लिया कि मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, उसके हिसाब से आपने व्यवहार करना शुरू कर दिया, सामने वाले व्यक्ति ने भी उस हिसाब से व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो उस कंडीशन में आपकी जो आप जो परसेप्शन का कार्य कर रहे थे, सामने वाला व्यक्ति उसके परसेप्शन से व्यवहार कर रहा था, तो वो जो स्थिति निर्मित होगी, तो वहां हम कहेंगे कि आपकी जो परसेप्शन की प्रक्रिया है, एक परसेप्शन की प्रक्रिया जो है वह पूरी हो गई। तो स्टूडेंट, यदि आपको अवबोध जो है वह आता है, परसेप्शन क्या होता है उसकी विशेषताएं बताइए, तो आप इस तरीके से डिफाइन करिए, और आपको यदि प्रक्रिया आती है कि परसेप्शन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है उसे समझाइए, तो आप इन पॉइंट्स के अंतर्गत अवबोध की प्रक्रिया को और उदाहरण के द्वारा समझाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, अब जो है हम यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक जो है सीखना, लर्निंग पर बात कर रहे हैं, और अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो भी सीखने की प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ये सीखना है कि सीखने की परिभाषा कैसे लिखें। तो सीखना मीन्स क्या बोलेंगे, जब एक व्यक्ति पुराने व्यवहार से अलग व्यवहार करे, पुराने व्यवहार से अलग व्यवहार करे, तो कहा जाएगा कि वह व्यक्ति सीख गया है, या हम इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, सीखना एक किसी भी व्यक्ति की आदत में स्थायी परिवर्तन है जो कि व्यक्ति में अनुभव के कारण आता है। आया समझ में, सीखना मीन्स क्या होता है, लर्निंग, जैसे साइकिल चलाना नहीं आती है, अब साइकिल चलाना सीख गए, अब इस प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो जब यह व्यक्ति की आदत में होने वाला स्थायी परिवर्तन है जो व्यक्ति में अनुभव के कारण आता है, या दूसरी मैंने बताई कि पूर्व में किए गए व्यवहार से अंतर व्यक्ति के व्यवहार में वर्तमान में दिखता है, तो कहा जाता है कि सीखने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतलब पहले व्यक्ति को साइकिल चलाना नहीं आता था,
बाद में जब आपने 8 दिन बाद देखा तो उस व्यक्ति को साइकिल चलाना आ गया, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि व्यक्ति साइकिल चलाना सीख गया। तो पूर्व के व्यवहार से वर्तमान के व्यवहार में अंतर आता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कि सीख गया। अब इसकी विशेषताएं यदि हम देखें तो सीखना क्या होता है, सीखना परिवर्तन है। सीखने के कारण क्या होगा, व्यक्ति की आदत में, सोच में, बोलने में, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को कंप्यूटर नहीं आता है, अब उसे कंप्यूटर आने लगा, उसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, तो वो जो है क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, स्थाई परिवर्तन हो गया। परिवर्तन स्थाई हो, जो सीखना है ऐसा नहीं 2 दिन चले गए और आप बोलो कि मैंने तो कंप्यूटर सीख लिया, फिर किसी टीचर ने आपसे कहा कि बताओ कंप्यूटर में ये कमांड क्या होता है, आप कह रहे हैं मैं तो 2 ही दिन गया था, तो उसको सीखना नहीं कहेंगे। सीखना मीन्स है परिवर्तन जो है वह स्थाई होना चाहिए, मतलब जो भी आपने सीखा है वह आपके पास हमेशा के लिए होना चाहिए। परिवर्तन क्रिया या व्यवहार में हो, जो भी आपने सीखा है उसके कारण आपकी व्यवहार में वो परिवर्तन दिखना चाहिए। जैसे कि आप इंग्लिश सीखने गए, अब इंग्लिश आप सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, आप पूरा कोर्स जो है स्पीकिंग का कर चुके हैं और आप इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं या बिहेवियर शिफ्ट में वो चीज नहीं दिख रही है, तो क्या कहा जाएगा कि कुछ भी नहीं सीखा। तो सीखना जो है उसमें जो परिवर्तन है आपके व्यवहार में, प्रोसेस में दिखना चाहिए हमेशा। फिर सीखने के लिए अनुभव आवश्यक है। सीखने के लिए कोई भी व्यक्ति सीखना चाहता है कि कोई भी काम सीखना चाहता है तो उसके लिए अनुभव आवश्यक है। पूर्व में की गए प्रयासों से जो है अनुभव लेकर वह अपने व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन करके किसी भी कार्य को करना सीख सकता है। फिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक सेंटेंस आप लोगों ने सुना ही होगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो ऐसे ही कोई भी कार्य को सीखने का जो है समय नहीं होता है, कभी भी कोई भी काम जो है सीखा जा सकता है और वह अनवरत चलता रहता है, नॉन स्टॉप जो है वह चलता रहता है। सीखना मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सीख गया कोई व्यक्ति तो उसके लिए जो है कोई फिजिकल टच नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति सीख गया है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि सीखने के बाद व्यक्ति के व्यवहार को स्थायी रूप से परिवर्तित कर देती है। तो सीखना जो है, लर्निंग जो है, यह एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। प्रबलीकरण, इसका अर्थ होता है कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसके लिए आपको हमेशा बोलना चाहिए कि उद्देश्यपूर्ण सीखना चाहिए और लगातार उस पर एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से कि हाँ मुझे कंप्यूटर चलाना सीखना ही है, तो वह प्रक्रिया जो है वह सीखी जाएगी आपसे। यदि आप सीख रहे हैं और आपके मन में जो है उसके प्रति जो है कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे कंप्यूटर जबरदस्ती सीखने के लिए भेजा जा रहा है, तो कंप्यूटर जो है आप उसने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो यदि लर्निंग करनी है किसी भी चीज की तो उसके लिए प्रबलीकरण जो है वह बहुत जरूरी है। तो ये है आपका सीखने की विशेषताएं। अब हम बात करें सीखने के प्रकार यदि आते हैं या विचारधाराएं, थ्योरीज, अलग अलग लोगों ने अपनी सीखने की अलग अलग विचारधाराएं बताई हैं। तो पहली विचारधारा जो बताई है सुसंगत या प्रतिक्रियावादी, वो है पावलोव ने बताई है। 1880 में इन्होंने इस विचारधारा को बताया है। उनका ये कहना था कि सीखने की प्रक्रिया जो है वह प्रतिक्रियावादी होती है, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा जो है एक काम दिया गया उसको, तो उस काम को करते समय उसे अपने आप ही जो है दूसरी क्रियाएं सीखने में आएंगी। सुसंगत या प्रतिक्रियावादी मतलब किसी व्यक्ति को जो है एक उद्देश्य की तरफ लगाया जाए तो अपने आप ही, जैसे आप बच्चे को कॉन्फिडेंस सिखाना चाहते हैं कि आत्मविश्वास क्या होता है, तो उसके लिए आपने उसको साइकिल चलाना सिखाया। अब साइकिल चलाना सिखाया और रोज उसको जो है आप कहाँ भेज रहे हैं, एक शॉप पे डेली भेजते हैं कि ये सामान ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मूल उद्देश्य का जो है आपका है आत्मविश्वास सिखाना,
तो उस प्रक्रिया के साथ जो है वह बहुत सारी चीजें जो है एक साथ सीख जाता है। जैसे कि वह साइकिल चलाना सीख रहा है, वहां पर जाकर रोज शॉप से सामान लाना सीख रहा है, और उसके साथ ही जो है वह हिसाब करना, जो भी पैसे आप देते हैं कितने रुपए का आ रहा है, वजन से जो है कितने का सामान आ रहा है, कितने किलोग्राम सामान लाना है। तो पावलोव का यह कहना था कि सीखने की जो प्रक्रिया है वह एक घटना से दूसरी घटना के साथ जुड़ी रहती है। पहली घटना जैसे ही पूरी हो जाती है, दूसरी घटना के साथ तीसरी घटना ऐड हो जाती है, तीसरी घटना दूसरी जैसे ही पूरी हो जाएगी तीसरी आ जाएगी। तो इस तरीके से सीखने की प्रक्रिया जो है वह क्रिया के साथ अनवरत जुड़ी हुई रहती है। एक क्रिया खत्म होने के बाद भी दूसरी क्रिया के साथ दूसरे उद्देश्य के साथ जुड़कर सीखने की प्रक्रिया जो है वह निरंतर चलती रहती है। फिर है सक्रिय अनुबंधन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो सक्रिय अनुबंधन इस विचारधारा के अनुसार जो है सीखने की विचारधारा के अनुसार यह मत था कि सीखने की जो प्रक्रिया है वह सक्रियता के आधार पर, इसके अंतर्गत कहा था कि व्यक्ति जो है मशीन नहीं है, यांत्रिक नहीं है कि बटन दबाया तो केवल ऑन करने का काम करेगी। हर घटना पे व्यक्ति का अपना खुद का दृष्टिकोण होता है, विचार होता है, और पूर्व की गई व्यवहारों की वह एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, और उसके बाद ही जो है वर्तमान में उस घटना पर वह अपना बिहेवियर प्रस्तुत करता है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, पूर्व अनुभवों के आधार पर, सारे पूर्व में किस प्रकार के अनुभव हुए हैं और दूसरा जो घटनाएं हुई हैं उसमें लोगों का क्या अनुभव रहा है, और खुद के द्वारा प्रयासों में, जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, 5वीं बार अटेम्प्ट ले रहा है, तो 4 बार का उसका पढ़ाई का जो अनुभव रहा है, 5वीं बार जब वह उस पढ़ाई को कर रहा है तो 4 बार के अपने अनुभव को जरूर ध्यान में रखेगा, और इसके पहले जिन लोगों ने यूपीएससी क्लियर की है उनके अनुभवों को ध्यान में रखकर अपनी यूपीएससी की इस साल की तैयारी करेगा। तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया कैसी रही, पूर्व के अनुभवों के आधार पर। तो ये विचारधारा होती है सक्रिय अनुबंधन की। फिर है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक विचारधारा जो है यह विचारधारा सॉरी यह विचारधारा चूहों पर किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद दी गई है। इस विचारधारा के अंतर्गत यह कहा गया कि व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का उद्देश्य है कि फॉरेन में जॉब करना है, तो उसका शुरू से ही ये उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति शुरुआत से ही अपनी सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करेगा। तो इस विचारधारा के अनुसार जो है व्यक्ति अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर समय सक्रियता से कार्य करता है, और उसकी सीखने की प्रक्रिया जो है उस उद्देश्य की प्राप्ति के अनुसार चलती रहती है। फिर है सामाजिक सीखना। सामाजिक सीखने की प्रक्रिया जो है, चूंकि व्यक्ति समाज में रहता है, परिवार से जुड़ा हुआ रहता है, तो इस विचारधारा के अंतर्गत सीखने की जो प्रक्रिया है वह अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है, जिस संस्कृति के अंतर्गत उसका जन्म हुआ है, बड़ा हुआ है, जिस विद्यालय में वो पढ़ता था, जिस कॉलेज में वो पढ़ता था, वहां के वातावरण से उस व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया जो है वह परिवर्तित होती है। तो स्टूडेंट, ये है आपका सीखना, लर्निंग क्या होती है, उसकी विशेषताएं, और सीखने के कितने प्रकार या विचारधाराएं होती हैं। तो यहाँ पर हमारी खत्म होती है यूनिट सेकंड। तो आई थिंक आप लोगों को ये यूनिट सेकंड जो है पर्सनैलिटी, अवबोध परसेप्शन और लर्निंग, ये समझ में आई होगी। थैंक यू।